नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक दोदी। पिछली कक्षा में हमने कविता पढ़ी थी, आज हम इससे संबंधित शब्दार्थ पढ़ेंगे, शब्द और अर्थ। ढलता, इसका अर्थ है अस्त होता। कण कण, इसका अर्थ है हर जगह। नित, नित का अर्थ है रोज। पोखर, पोखर माने तालाब। ज्ञान, ज्ञान माने शिक्षा या जानकारी। नभ मंडल, नभ मंडल माने आकाश। हरता, हरता मतलब दूर करता, दूर करता। नाता, नाता माने रिश्ता। अगला शब्द है नतमस्तक, इसका अर्थ है जिसका सिर झुका हुआ हो। अगला है घट घट में, घट घट में का अर्थ है मन या अंतर में। बच्चों, ये थे पाठ से संबंधित शब्दार्थ। अब हम देखते हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किन दो दीपों की चर्चा की है। बच्चों, कविता में कवि ने सूरज और शिक्षा दो दीपों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, सूरज की किरणें क्या लेकर आती हैं? तो बच्चों, आपने ध्यान से कविता पढ़ी होगी, इसका उत्तर है सूरज की किरणें नया सवेरा लेकर आती हैं। प्रश्न अगला है, पोखरों में कौन हंसता है? इसका उत्तर है पोखरों में कमल हंसते हैं। बच्चों, ये थे आपके मौखिक प्रश्न। अब लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पर मैंने कविता की पंक्तियां नहीं लिखी हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, उसमें कविता की पंक्तियां हैं, वो आप अपनी नोटबुक में उन्हें पूरा करेंगी। कविता मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली कक्षा में, तो आप सभी को कविता याद होगी, तो आप कविता की पंक्तियां स्वयं पूरी करेंगे। प्रश्न नंबर दो है प्रश्न और उत्तर। अब ये लिखित प्रश्न है। प्रश्न नंबर एक है, कवि ने नभ के दीप की क्या विशेषता बताई है? इसका उत्तर है, नभ के दीप की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर एक, वह कण कण को उज्जवल करता है। दूसरी विशेषता है कि वह ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबका अंधकार हरता है। अगला प्रश्न है, सूरज की किरणें निकलने पर पंछी क्या करते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है, सूरज की किरणें निकलने पर पंछी नाचने और गाने लगते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, वह है, भारत माँ के आंगन में कौन सा दीप जलता है? इसका उत्तर है, भारत माँ के आंगन में शिक्षा का दीप जलता है। अगला प्रश्न है, कवि ने शिक्षा के दीप की क्या विशेषता बताई है? इसका उत्तर है, कवि ने शिक्षा के दीप की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नंबर एक, वह दिन रात जलता है। नंबर दो, वह समाज से अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भरता है। तो बच्चों, ये थे आपके शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। आपको सबसे पहले पाठ का नाम लिखना है और उसके बाद आपने पाठ परिचय लिखना है। पाठ परिचय मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिया है। उसके बाद आपको शब्दार्थ, फिर मौखिक प्रश्न करने हैं, उसके बाद लिखित प्रश्न और उत्तर करने हैं। बच्चों, ये तो आपका आज का होमवर्क है। आप इस पाठ से संबंधित कुछ और कठिन शब्द ढूंढकर रखेंगे, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। अगली कक्षा में मैं
उनसे संबंधित आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगी। धन्यवाद।